जय जिनेंद्र दोस्तों, स्वागत है आपका जैन खलसाना में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल काजू कतली की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 300 ग्राम काजू और उसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी अच्छी तरीके से पीस लेंगे। काजू को पीसने के बाद हम सारे बचे हुए काजू पाउडर को हम आटा छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारे बारीक कण अलग हो जाए। लीजिए, हमारा काजू का पाउडर तैयार है। 300 ग्राम काजू को ग्राइंड करके हमने 6 कप काजू पाउडर तैयार कर लिया है। अब बारी है हमारी चाशनी बनाने के लिए, जिसके लिए हम डालेंगे शक्कर 2 कटोरी से थोड़ी सी कम। लीजिए, हमने शक्कर डाल ली है। अब हमें इसमें डालना है उतना पानी जिससे हमारी शक्कर अच्छी तरीके से भीग जाए। उसके बाद हम गैस चालू करके थोड़ी देर तक रखने के बाद हमारी चाशनी को तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी चाशनी कुछ इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी चाशनी को चेक कर सकते हैं। अब हम चाशनी में डालेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ काजू पाउडर। अब हम गैस बंद कर देंगे और सभी को मिलाते रहेंगे। हमने सारे काजू पाउडर ऐड कर दिया है और अब हम सभी को चाशनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक हमारा काजू का डो, यानी कि हमारा काजू का आटा ना तैयार हो जाए। उसके बाद गैस बंद करके हम इसे थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से हमारे डो को प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ी देर तक मिलाने के बाद हमारा काजू का डो तैयार है। अब हम हमारे बेलन पर और जिस सरफेस पे हम काजू का डो बेलेंगे उन दोनों पर हम अच्छी तरीके से घी लगा लेंगे और सबको स्प्रेड करके उसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम रोटी की तरह हमारे डो को हल्के हाथों से बेल लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। थोड़ी देर हल्के हाथों से हमें इसे बेलते रहना है। अगर आपको घर पे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा हो तो काजू कतली काफ़ी टेस्टी ऑप्शन है, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो लीजिए, हमने इस मोटाई तक आने तक हमारे काजू के गोले को बेलकर तैयार कर लिया है। उसके बाद किसी ब्लेड या फिर चाकू से हम हमारे काजू कतली को शेप देंगे, जिसके लिए हमने डायमंड का शेप सिलेक्ट करा है। इसीलिए हम इसे तिरछा काटकर हमारे काजू कतलियों को निकालकर अलग कर लेंगे। आप कोई भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से शेप दे सकते हैं। उसके बाद हम आखिरी में ऊपर से इस पर छिड़केंगे सभी तरफ केसर। तो केसर डालने से हमारी काजू कतली पूरा बाजार का लुक देगी। तो लीजिए, हमारी काजू कतली हम निकाल कर अलग कर लेंगे और ये सारे पीसेस बिल्कुल हलवाई के बनाए हुए टेस्टी और आपके फेवरेट दिख रहे हैं। लीजिए, हमने भी बनाई है आपके लिए घर में काजू कतली। अगर आपको भी ये घर पे बनाई हुई काजू कतली का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।